हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर निकलते हैं बाहर घूमने के लिए पहाड़ों में। तो नहा धो के तैयार हो गया हूँ, नाश्ता वास्ता कर लिया, अभी चलते हैं फिर पहाड़ों में घूमने के लिए। आपने कभी बताया नहीं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको जापान में क्या देखना और कहाँ घूमना ज़्यादा पसंद है। मेरे तो इधर या तो पार्क में जाना या पहाड़ों में जाना, उनके अलावा मेरे को तो कोई जगह नहीं दिख रही। हाँ, कभी कभार कोई बड़ी सिटी में भी चला जाता हूँ। तो चलो आज फिर से पहाड़ों की नगरी में चलते हैं, देखते हैं कैसा माहौल है। और सुबह सुबह जापानी लोग तैयार होके निकल जाते हैं सारे अपने काम पर। काम का बहुत चाव है जापानी लोगों को। तो चलो, अब छुट्टी के दिन भी रेस्ट नहीं करते हैं, छुट्टी के दिन भी इधर उधर निकलते हैं, साफ सफाई करने लग जाते हैं और लगभग बिजी रहते हैं अपने काम में। तो चलो अपन चलते हैं पहाड़ों की नगरी में। आज का सब मौसम ही बड़ा प्यारा है, घूमने का आनंद आएगा ठंड के मौसम में, क्योंकि अभी जापान में भी गर्मियां स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा ठंडा मौसम हो। तो घूमने का आनंद में भी चार चांद लग जाते हैं। चलो चलते हैं। अभी एक पास के पार्क में पहुंचा हूँ, वैसे तो पास तो नहीं था, दूर था। तो दिखाता हूँ, जापान में सभी पार्क और पूरा एरिया आपको साफ सुथरा घूमने लायक जगह है। चलो बाहर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये इधर कहीं भी चले जाओ, पार्किंग की सुविधा तो मिलेगी मिलेगी हर जगह। ये पूरी पार्किंग है गाड़ियों को खड़ी करने के लिए। चलो आज मौसम भी अच्छा है, अच्छे से घूमते हैं, पार्क दिखाता हूँ। ये इधर टॉयलेट वगैरह है, हर प्लेस पर ऐसे जगह पर हर जगह मिलते हैं टॉयलेट, बाथरूम और ये वेंडिंग मशीन। इस वेंडिंग मशीन से मेरे को एक ड्रिंक लेनी है। चलो मैं पैसे निकाल लेता हूँ, निकाल के। ये इधर सिक्के डालने होते हैं तो ये इधर जगह है। मेरे पास 1000 का नोट है, खुला सिक्का नहीं है, तो इधर नीचे लिखा हुआ है 1000 येन, तो इधर मैं 1000 येन डालूंगा। ये चला गया। अब ये सारी ग्रीन हो गई, देखो क्योंकि 1000 से नीचे है सारों की रेट। मेरे को ये ड्रिंक चाहिए, मैं लगाऊंगा तो 140 रुपये कट जाएंगे और मेरी ये ड्रिंक नीचे आ गई। इधर मैं पहले ड्रिंक निकाल लेता हूँ, निकाल लिया। अब इधर बाकी मेरे को पैसे थे वो धीरे 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 देखो नीचे गिर रहे हैं, इधर इधर गिर रहे हैं और इधर जीरो हो गया। तो मैं इधर से ये पैसे भी निकाल लेता हूँ। नीचे गिर गया। चलो अब आगे पार्क में घूमते हैं, देखते हैं पार्क को और पार्क को दिखाता हूँ। वैसे तो ये मौसम बहुत अच्छा होता है, इसमें घूमने का आनंद कुछ अलग ही आता है। तो चलो आगे अंदर चलते हैं पार्क के। ये देखिए कितना प्यारा दिखता है। वैसे तो ये बरसात का मौसम ही कुछ अलग ही है,
आपको इधर से दिखाता हूँ। इधर छोटे बच्चे आया करते हैं मछली पकड़ने के लिए। ये लकड़ी से और लोह से बनाया हुआ है। पहले बीच में लोह दिया हुआ था, उसे लकड़ी सपोर्ट दिखा लिया। ये इधर खड़े रह के मछली पकड़ते हैं। वैसे इधर मना है, डोंट टच द बर्ड। चलो आगे देखते हैं क्या क्या है। अब पार्कों में, हर पार्क में जैसे सड़कें बनाई हुई होती है, अब जो ये रेड की हुई है तो इसमें सिर्फ पैदल चल सकते हैं बंदा, और इधर जो साइड में है इस पर साइकिल चला सकते हैं। गाड़ी अंदर सिर्फ साफ सफाई वाली आती है, बाकी अंदर पार्कों के अंदर गाड़ियां नहीं आती। गाड़ियों को पहले ही बाहर खड़ा कर दिया जाता है पार्किंग में, फिर सिर्फ अंदर घूमने आते हैं। अब हर चीज़ ही स्टाइल से लगाई हुई होती है। अब ये देखो टूंटी लगाई हुई है, ऐसे लगता है जैसे ये पेड़ है, पेड़ को बीच में से काट के लगाया है। और ये पानी के ऊपर से छोटा सा पुल, और वो एक आगे बड़ा पुल बनाया हुआ है। ये इसलिए बनाया हुआ होता है जैसे घूमने वाले को आनंद आए। बस ये टपरी बनाई हुई है छोटी, आराम से बैठो, आनंद लो, घूमो फिरो। वैसे इस मौसम का तो आनंद ही कुछ और है। ये बूढ़े बूढ़े लोग, ये आगे भी बहुत लंबा पानी पड़ा है। ये पुल बनाया हुआ है इस पानी के ऊपर। इस पार्क के चारों तरफ ये सड़क बनाई हुई है, जिसमें ये देखो लोग आपको दिख रहे होंगे पैदल चलते हुए। तो अंदर रोड बनाई हुई है वो साइकिल और पैदल वालों के लिए है, लेकिन साइकिल भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है साइकिल भी मना हो, लेकिन सिर्फ पैदल लोग चल रहे हैं अंदर। चलो आगे देखते हैं और क्या है। देखिए कितना प्यारा सजाया हुआ होता है पार्क। आराम से मस्ती से घूमो। लोग खुद से ज्यादा अपने कुत्तों को घुमाते हैं। ये भी लेकर आई हुई है, आराम से पानी के पास में बैठ के सीटिंग। स्टोन पत्थर है, इनको भी सजा रखा है। इधर आगे देखो बच्चों को खेलने के लिए बनाया हुआ है, हर पार्क में बनाया हुआ होता है। आपको ये दिखा देता हूँ।
वाला मोबाइल वाला स्टैंड भी वेट में रह गया। चलो फिर कभी दिखाऊंगा, ये रास्ता है। चलो आगे चलते हैं। पार्क के चारों तरफ घूम लिया हूँ और वापस जहाँ पर गाड़ी पार्क का इधर का रास्ता बंद किया हुआ है। ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखो पुल के नीचे कितने बड़े गाटर लगे हुए हैं। नीचे शायद ये पानी बहुत नीचे तक है, काफी पानी भरा हुआ है। बढ़िया पुल बनाया हुआ है।